साथियों, माँ भवानी की जय। साथियों ये बताओ आज शिव म्यूजिक कहाँ लूटने गए थे, कितना माल मिला? माल तो बहुत मिला है, साथी लिए हैं और। लेकिन सरदार जी ये पत्थर की भीड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ी पहाड़ी है, आवाज भी आ रही है यहाँ तो, अगर चल के देखा जाए। सरदार जी ये तो कोई इंसान है और अभी इसकी सांसें चल रही हैं। हाँ, आओ थोड़ा पानी लाए, पानी लाओ और छींक मार के देखो। अरे भाई तुम कौन हो और ये हालत तुम्हारी कैसे हुई? आप लोग कौन हैं? मुझे आपने क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते, मुझे जिया नहीं है, मुझे मरना है, मरना। हम तो इस बीहड़ के डाकू हैं और डाकुओं का काम होता है सताए हुए लोगों को सहारा देना। अरे कौन सहारा दोगे, इस पारसगढ़ में अन्याय है, अन्याय है। मैं पारसगढ़ राज्य का सेनापति हूँ और मुझे मंत्री विकराल ने ये हालत करके मुझे पहाड़ी में दफन करा दिया है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई सहारा नहीं है। भाई भाई तुम्हारा सहारा हम देंगे। और बोलो तो अभी जाकर उस विकराल सिंह की कहानी हम खत्म नहीं करें। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर विकराल सिंह की कहानी खत्म कर दोगे तो मेरा एक युवराज विक्रम है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसलिए नहीं। तो मेरे भाई सहारा देना चाहते हो तो मुझे ताकत दीजिए, मुझे हौसला दीजिए और मैं ये काम अपने हाथों से करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई आप मेरे गृह में शामिल हो जाओ और मैं आपको अपने गृह का सरदार बनाऊंगा। आप जो कहेंगे हम लोग आपके इशारे पर चलेंगे। अगर मुझे आप इतना सहारा दे रहे हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपका नाम डूबने नहीं दूंगा। आपका जो 700 का जो इलाके में दहशत बनी हुई है मैं उसको कायम रखूंगा, मेरा वादा है। तो भाई ये लो, उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो इस जालिम जमाने को। बोलो माँ भवानी की जय। सरदार जी जयकाल सिंह, आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे। आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। सुनो, इल्तिजा यही है दिले बेकरार की, तोड़ना न डोर कभी मेरे प्यार की। आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे। लेकिन जगह से अभी तो मेरी हालत देखो, मेरी आप लोग काले ड्रेस में हैं लेकिन मेरा ड्रेस कहाँ है? मैं ऐसे चलूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? भाई चलिए भाई, बोलो माँ भवानी की जय। मैं ये भी बता दीजिए मैं आज से कौन किस नाम से डाकू कहलाऊंगा?
मेरे भाई आप पहले चलो हमारे गुफा में, हम लोगों ने एक सरदारी लिबास बनवा कर रखा है, आप उस लिबास को धारण कीजिए, उसके बाद आपका नाम होगा सरदार दिलदार सिंह, डाकू सरदार दिलदार सिंह। बहुत अच्छा, अगर आपने मुझे सहारा दिया है तो कसम माँ भवानी की मैं दुनिया बदल दूंगा और परस गलक तक तो राज ला करके रख दूंगा। बोलो माँ भवानी जय। हेलो, अरे उसको छोड़ो मेरी सुनो, अरे लाल की टिकुलिया चटकर टिकुली सटले लाल के चनरिया, लाल के टिकुलिया चटकर टिकुली सटले वही रे टिकुलिया पे तीन जना के सटले वाली, वही रे टिकुलिया पे, वही रे टिकुलिया पे तीन जना के सटले वाली। पुलिस दरोगा हवलदार टिकुली सटले बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जवानी सुनला, हम है गरीब मोहताज, करेला गरीब वंश प्यार। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, हम है गरीब मोहताज, करला गरीब वंश प्यार। भटक रहा हूँ मुरझाया है मुकेड़ा, मुरझाया है दुखड़ा, खूब सुनाया दुखड़ा। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, हम है गरीब मोहता, करला गरीब वंश प्यार। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, मेरे आँख की रोशनी छीन ली गई है, बड़ी मुश्किल से बाबू साहब के दरवाजे पे, माँ बहनों के दरवाजे पर जा करके अपने पेट के लिए खाने के लिए भीख मांगता हूँ मैं। बाबूजी एक अंधा लाचार हूँ मैं,
हमरे बाबूजी, हमरे बाबूजी मांगिला बिखिया साले दुख अपार, हमरे बाबूजी अब लगता है यहाँ नदी बह रही है, मेरे कानों में आवाज आ रही है। कुछ पेट भरने के लिए तो माँ बहनों ने खाने के लिए दे दिया, लेकिन पानी के लिए बस मेरे लिए यही एक सुविधा है कि मैं आराम से चल के नदी के किनारे तक जाऊँ और वहीं पर बैठकर खाना खा के और नदी से पानी पी लूं मैं। रुक जा मानो, अरे क्या दिखाने देता कि आगे नदी बह रही है, तो बस खबरदार मानो ठहर जाइए, आगे जल में है मरने, तू क्यों जा रहा, क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाम खा जाने क्यों अपनी दिखाई दे रहा। तो आगे पानी है मुझको है मालूम नहीं, मैं तो अंधा हूँ मुझको दिखाता नहीं, आत्महत्या में करने नहीं आया हूँ, मेरी मजबूरी है जो बाबूजी आप कौन हैं, आप नहीं आ गए होते तो मैं इस दरिया में डूब गया होता, लेकिन मैं बताओ, आत्महत्या करने नहीं आया। ये तुम्हारी हालत किसने की? मेरी ये हालत अपने ही राज दरबार का मंत्री, और वो इसलिए कि तुम्हारे बिछड़ने के बाद मुझसे इस राज खजाने का नक्शा पूछ रहा था, आपके आदेशा अनुसार मैंने उस नक्शे को बताने से इनकार कर दिया, तो वही मेरी ये हालत कर दिया। तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ रहोगे और ये तुम्हारी आंख जैसे भी होगी, बड़े से बड़े वैद्य को डॉक्टर को मैं दिखा कर तुम्हारी आंख ठीक कराऊंगा, तुम्हें नए जो जरूर दूंगा। साथियों चलो चलते हैं, इसे किसी वैद्य के पास ले चलते हैं। चलो सरदार। आज मुझे सहारा मिल गया और मैं तुम्हारे जिंदगी के लिए हर वक्त तरसता रहा कि मेरा वफादार सेनापति, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा सब कुछ था, आज तुम मिल गए हो। तुम्हारी सलामती के लिए मैं आज ही माताजी से अरदास करूंगा। तू तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। चलो मेरे साथ। अरे मन के अन्हरिया मिटावा तू,
मन के अनारिया मिटावा तू ए माई, जियरा जुड़ावा तू ए माई। जरा जुड़ावा तू ए माई। भैया का होता है सब सब समझ में आवता है ना? हाँ ठीक है, लेकिन हम तो क्या करी, चलते चलते कुछ कहना जरूर है। कैसे है रुके, अरे कावना विटामिन खालू, अरे कावना विटामिन खालू, दिन पर दिन चिकना ले कावन विटामिन खा ले, दिन पर दिन चिकना ले, तो ये कर कामर हाँ कि तेर जुई के पाला रे डोले धीरे धीरे। कावन विटामिन खा ले दिन पर दिन चिकना ले, कावन विटामिन खा ले दिन पर दिन चिकना ले, तो ये कर काम रहा कि तेरे जुई के पाला रे डोले धीरे धीरे। एगो ऊपर जाला एगो जाला खाला कटिया पहने फैशन में जियले, मम्मी से किना वाले की अपन आई से। साथी ये जयकाल सिंह, ये बताओ क्या तुम किसी बैद्यराज को जानते हो? इस इलाके में आज बहुत दिन से इस पहाड़ियों पर रह रहे हैं, क्या इस इलाके में कोई ऐसा वो वैद्य है जो आग चिकित्सा करे? हाँ, वैद्य है सरदार जी है। कौन सा है बताओ? नाम तो नहीं याद है लेकिन देखा है। कहाँ देखा है? चलो चलिए उसको देखा जाए। सुनो मैं तुम जा बुला कर लाओ और विक्रम को बुला कर लाओ। ठीक है एक जाओ। ठीक है भैया, मेरी आंख नहीं ठीक होगी। नहीं बेटा, मैं ये दुनिया फिर से नहीं देख सकूंगा। जब तक तुम्हारा चाचा सेनापति जिंदा है तुम्हारी आंखों में ज्योति आएगी, बहुत जल्द आएगी। मैं अभी राजवैद्य को बुलाने के लिए भेजा है, राजवैद्य आता ही होगा। क्या बात है? वैद्य आ गए। वैद्यराज जी क्या बात है भाई? ये मेरा भतीजा विक्रम कुंवर है, इसकी आंखें जो है किसी ने फोड़ दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। आप जो भी चाहेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। बहुत अच्छा,
ये तो आंखी फोड़ देगा। देखिए उसको दिखाया तो दे नहीं रहा है, अब आपको सावधानी से देखिए ना। देखिए भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे नहीं बैदराज, ऐसा मत करो। ऐसा मैंने आपका नाम सुनकर के कितनी तारीफ सुनी है आपकी। आप इसकी आंख ठीक हो सकती है लेकिन पहाड़ी नागिन पे जाओ, पहाड़ी पे, वहां पर एक पहाड़ी नागिन रहती है। कहाँ कहाँ? कंद्रागिरी पे, कंद्रागिरी पहाड़ी पे एक नागिन रहती है, उसके गले में मरियों का हार है। वो हार इसके आंखों के सामने दिखाया जाएगा तो आंख ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यराज जी, अब आप जा सकते हैं। साथियों। जी सरदार जी। सुना आपने? हाँ सरदार, हमने सुना। चलते हैं हम कंद्रागिरी पर्वत पर और वहाँ पहाड़ी नागिन है, उसके गले में जो मणि है उसे हमको प्राप्त करना है। तुरंत चलिए सरदार। मैं तो सोचता हूँ आप लोग रहिए, मैं अकेला ही जाऊँगा। नहीं सरदार, हम भी साथ में चलेंगे। अरे क्यों परेशान हो गए आप? खामखा जो है परेशानी में आएंगे। मैं स्वयं जो है इस लायक हूँ कि पहाड़ पर जाकर के मैं उस नागिन की गले से मणि ला सकता हूँ। जैसे आपकी इच्छा सरदार जी। सरदार जी और भैया गले चलू? बिल्कुल, इनको साथ में लेकर रहिएगा। ठीक है। नहीं नहीं भैया, अरे वो पहाड़ी नागिन बहुत ही खतरनाक है, वहां जो कोई इंसान जाता है लौट के वापस नहीं आता। तुम मेरी आंख के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। अरे नहीं विक्रम, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हारी जान के लिए कितनी मुसीबत सह रहा हूँ मेरे लाल, ऐसा नहीं हो सकता। कितनी मुसीबत आए मैं उसे पार करते हुए मैं तुम्हारी आंख जरूर कराऊंगा। तो भैया ठीक है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके ऊपर, दूसरे की जिंदगी देने वाले के ऊपर कोई खतरा आए, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं विक्रम, तुम कैसे जाओगे वहाँ? खतरा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे आंख नहीं है, कैसे देखोगे, कैसे चलोगे? और मैं अकेला जाऊंगा तो लागते हुए डांटते हुए मैं कहीं न किस तरह से पहाड़ नागिन के गले से जरूर लाऊंगा। ठीक है भैया जाओ, मैं इन्हीं गुफाओं के अंदर साथियों के आपके साथियों के साथ में ही यहीं समय बिताऊंगा, मगर अपना ख्याल रखना भैया। साथियों करना मैं जा रहा हूँ। चलिए भैया। चलो जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेवो तुम्हारा, गुरुदेवो तुम्हारा, जन्म जन्म का मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेवो तुम्हारा।